शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैंने अपने हॉस्पिटल में आंख के डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ये पता चल सकता है कि तुम्हारे माँ बाप की आंखें ठीक हो सकती हैं या नहीं। भगवान जी, ये पैसे ना हमने अपने जलेबी के लिए बचाए थे, पर कोई नहीं, अगर उससे हमारे अम्मा पापा की आंखें वापस आती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमें तो 500 रुपए और चाहिए। 1000 रुपए मेहनताना अगर किसी को दिया जाएगा तो कोई ना कोई लड़की दुर्गा बनने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। जी जी, माता के त्रिशूल से तो महिषासुर का संहार होते हुए हमने देखा सुना है। इस ससुर आपके हाथ में आके कैसे गड़ गया? राम जी से अच्छी शकल ना ले पाए, अक्कल तो ले लेते। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप ढूंढ कहाँ रही हो? मिल गई। कहाँ मिल गई? वो लड़की मिल गई, वो चुप बोलने वाली गुड़िया, वो जो दुर्गा माता बनी थी। कहाँ मिल गई? वो जो दुर्गा माता बनी थी। अरे जिद जिद त्रिशूल जाकर के माथा से टकरा गया है का? हाथी से नहीं टकराया था? अरे वो गुड़िया नहीं, जीती जागती लड़की है। काश ये त्रिशूल हमारे हाथ की जगह तुम्हारी छाती पे लग गया होता, ये बकवास तो ना सुननी पड़ती। ए त्रिशूल पकड़ो, ए दीदी पकड़ लो। पर गई कहाँ वो लड़की? पहले डॉक्टर के पास चलो। आओ 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 जी, प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ कुछ अच्छा होने वाला है हमारी जिंदगी में। ये लो गुड़ खाओ और हमें मीठा मीठा आशीर्वाद दो। लो अब लाओ हमारे पैसे। ये लो, गिन लो अच्छे से। धन्यवाद। माँ बाबा को पहली बार झूठ बोलने जा रही हूँ, अपने आप को पहले ही सजा दे देती हूँ। चाचा जी राम राम। हद है श्रवणी, बता तो सही, दुकान बंद करके कहाँ लेके जा रही हो हमें? मेले में। पर बेटा, मेले में जाकर हम लोग करेंगे क्या? अरे हमारा ध्यान रखोगे और क्या, हम गुम हो गए तो? बदमाश। इन्हें कहाँ लेकर आया? अरे दीदी, आपके लिए लेकर के आए हैं। बाहर गाड़ी का ख्याल रखेंगे हम और अंदर आपका ख्याल रखेंगी। ये खुद का ख्याल रख लें काफी है। और हमका कभी समझ में नहीं आता कि तुम हमारी माँ के पेट से जन्मे हो या माँ बाबा तुम्हें कचरे की पेटी से उठा के लेकर आए थे। श्रवणी, अस्पताल यहाँ क्यों लेकर आई हो हमें?
क्या हुआ है? मामा, ये अस्पताल है। हमें किसी ने बोला था कि किसी किसी की आंखें वापस आ जाती है, इसलिए हम यहाँ आपका टेस्ट करवाने आए थे। श्रवणी, कुछ ठीक नहीं होने वाला। हाँ, तुम्हें समय बर्बाद करने के लिए लाई। माँ, प्लीज। चलो। माँ रुक जाए। माँ सिर्फ हमारे लिए। श्रवणी, डॉक्टर अंकल ने बोला था कि शायद आप दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। नहीं आ सकती बेटा, क्योंकि हम दोनों की आंखें ही। बाबा, माँ, क्या आप लोग देखना नहीं चाहते कि आपकी श्रवणी कैसी दिखती है? कहाँ ले आए हो हमें? आंखों के अस्पताल में एक तो दर्द से मरे जा रहे हैं हम। अरे दीदी, यहाँ आसपास में इससे अच्छा हॉस्पिटल है ही नहीं, और वैसे भी आपको चोट लगी थी, जल्दी जल्दी करना था। तो अम्मा, आप इधर ही बैठिए, दो मिनट में आते हैं। हाथ में ऐसी लगे, पैर में भी मारोगे? आंखों के अस्पताल में आए हो तो तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जानबूझ के थोड़ी ना किया, तो गलती से हमारा पैर आपके पैर के ऊपर आ गया। तो गलती सुधारो, साफ करो, साफ करो। गलती हम करें तो हम ही तो साफ करेंगे ना, और नहीं तो कौन करेगा? चलो रखो। बेटा, आपको डॉक्टर अंदर बुला। चलो। देखो बेटा, आपकी माँ की आंखों में जन्म से ही एक खराबी है, सो फिलहाल उनका इलाज मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हो सकता है कि आगे चल के उनकी आंखों का इलाज निकल आए और वो देख पाए। तो आप मेरी एक आंख मेरी माँ को दे दीजिए, तो हम दोनों के पास बराबर आंखें होंगी, हम दोनों एक हाथ एक आंख से आधी दुनिया देखेंगे, लेकिन हमारी दुनिया पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारी माँ का नाम लिस्ट में दर्ज कर दिया है, जैसे ही हमें आंख का डोनर मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। और हमारे बाबा, उनकी आंखें? भाई, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए अच्छी खबर है, तुम्हारे पिता के आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, और तुम्हारी माँ की आंखों के लिए हम आंखों का डोनर ढूंढ लेंगे। सच में? तो आप हमारे बाबा की आंखें अभी ला दीजिए ना। बेटा, उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं, उनकी सर्जरी लखनऊ में होगी, और सर्जरी के बाद आगे के इलाज के लिए उन्हें 6 महीने वहां रुकना होगा। तो सच में हमारे बाबा फिर से देख पाएंगे? हाँ बेटा। पर इसके कितने पैसे लगेंगे? देखो बेटा, वो अस्पताल तो सरकारी है, वहाँ सर्जरी और इलाज तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन हाँ, दवाइयाँ और वहाँ रहने का जो खर्च है उसके पैसे लगेंगे। सब कुछ मिलाकर
1,00,000 खर्च हो जाएगा। 1,00,000? पता नहीं ये चंद्रा बहुरिया और उसका भाई कहाँ रह गए। बहुत देर हो गई, जाके देखते हैं। आशीर्वाद मिलेगा तुमको? एक लड़की के चक्कर में पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। जो इंसान इस घर की इज्जत नहीं रख सकता, उस इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं कहां होगा हमारा बेटा और बहू। बहुत बड़ी गलती की है हमने जो उनको घर के बाहर निकाल दिया। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जांच तो हो गया, पर ये श्रवणी कहाँ है? पता नहीं, ये लड़की ना दिन ब दिन बदमाश होती जा रही है, बातें नहीं सुनती है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर जो कह रहा था कि सच में आंखों के ऑपरेशन के बाद हम लोग देख सकेंगे? हमें क्या पता, ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। भ्रष्ट हो गई है का? इतने सालों में हमसे कुछ सीखे नहीं हो। अब आपके जैसा बनना आसान बात थोड़ी ना है। अगर चंद्रा की नजर हमारे बेटे पे पड़ गई तो पता नहीं, हे भगवान रक्षा करो हमारे बच्चे की। मार रही हैं। अब आपको डॉक्टर के पास दिखाई क्या? अपने आप को दिखाने आए थे? ना, कुछ नहीं। चले चले। अम्मा जी, ये तो चंद्रा भाभी की आवाज है। श्रवणी किधर है? हमारी बच्ची किधर है? वहां नहीं, यहाँ। चलेंगी? हाथ में लगा कबार में नहीं ना। मां बाबा,
इतने साल हो गए हैं पर आज भी चंद्रा भाभी की आवाज सुनकर हम बहुत डर गए थे। आज भी जब हम उस रात के बारे में सोचते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ चंद्रा भाभी ने हमारी जिंदगी में इतनी तबाही मचाई है कि हमारी पूरी जिंदगी ये बदल के रखती। हमने कितनी कोशिश की कि उन्हें हमारी नई जिंदगी के बारे में कुछ भी पता ना चले। हमने अपना शहर छोड़ दिया, शहर से आकर इतना दूर अपना घर बसा लिया। इतने साल हो गए कभी मुड़ के अपने शहर वापस भी नहीं गए, यहाँ तक कि अपने नाम बदल दिए कि वो हमें कभी ढूंढ भी ना पाए। अरे वो चंद्रा भाभी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। जरा सोचो, जब उसने हम दोनों के साथ इतना बुरा किया और अगर उसकी नजर हमारी बेटी श्रवणी पे पड़ जाए तो पता नहीं ना जाने का कुछ नहीं करेगी उसके साथ। यही सोच के हमको बहुत डर लग रहा है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम चंद्रा भाभी का साया भी कभी अपनी बच्ची पर पड़ने नहीं देंगे। माँ बाबा, हम आप दोनों की दवाई लेकर आते हैं। अब जल्दी से घर चलते हैं, हमें बहुत तेज भूख लगी। हाँ बेटा चलो, जल्दी चलो। मैंने केशव और बहुरिया को देखा। क्या, तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? माँ, उन्हें घर क्यों नहीं लाई? हमें पूरा यकीन है आप उनसे बात करते, उन्हें मनाते तो आपके साथ घर आ जाते। माँ नहीं, नहीं, पहले ही हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। केशव और उसकी बहू को जब बहुरिया घर के बाहर निकाल रही थी तब हम कुछ नहीं बोले, चंद्रा बहुरिया की बातों में आ गए। पर हमने कभी सोचा नहीं था कि चंद्रा बहुरिया ऐसी निकलेगी। पर अब नहीं, मैं चंद्रा बहुरिया का साया भी केशव और उसकी बहू पे नहीं पड़ना चाहिए। वो कुछ कर देगी, उसे कुछ हो गया तो केशव को हम नहीं ला सकते। नहीं माँ, मेरे भैया यहाँ होते ये सब बिल्कुल नहीं होता। भैया कभी भी चंद्रा भाभी को हम सब पर इतना जुल्म नहीं करने देते माँ। और बाबूजी भी हमारे साथ होते माँ। जी जी, आप ना 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 ना। अरे क्या हुआ, हमने कुछ नहीं सुना। आप लोगों को लगा हमने कुछ सुना? हमने कुछ भी नहीं सुना, सच कुछ भी नहीं सुना। भावना, उसे रोक, मुझे भावना पर भरोसा नहीं है। वो जाके चंद्रा बहुरिया को सब कुछ बता देगी, वो उसकी सगी होने में अपने ही भाई बहनों का नुकसान कर सकती है। तू कुछ भी कर, उसे रोक, तू जा, भाग, रोक उसे। माँ शांत रहो, माँ आप शांत रहिए। काहे परेशान हो रहे हैं, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। अरे परेशान ना हो तो क्या करें, हम लोग यहाँ और नहीं रुक सकते। चलो अम्मा पानी। बाबा पानी ले लीजिए। बाबा पानी। नहीं चाहिए पानी। और कान खोल के सुन लो तुम, हम लोग नहीं जाएंगे। पर क्यों नहीं जा रहे? बस श्रवणी, बहुत हो गया। हम दोनों ने मिलकर तय कर लिया है कि हम अपने पुराने ठिकाने शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, हमें इस शहर के आसपास भी नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी भूल हो गई। पर हम क्यों जा रहे हैं ऐसे? और आपने अस्पताल में उस टाइम हमें चुप क्यों करवा दिया था बाबा? शमनी, जो बात तुम्हारे जानने की नहीं होती वो मत पूछा करो। और हमने तय कर लिया है कि हम पुराने ठिकाने पर वापिस चले जाएंगे। बाबा वहां जाके तो आपकी आंखों का इलाज होगा, फिर आप देखने लगेंगे तो कितना अच्छा होगा ना बाबा। और वैसे भी
डॉक्टर साहब ने बोला था कि यहाँ से लखनऊ बहुत पास में, बाबा चलिए ना। नहीं बेटा, इसीलिए तो हम लखनऊ नहीं जा सकते हैं। नीति, हम लोग इस जगह के आसपास भी नहीं रहेंगे। पर बाबा, आपकी आंखों की रोशनी। अरे कितनी बार समझाया है तुम्हें, हमें नहीं चाहिए अपनी आंखों की रोशनी वापस। तुम समझती काहे नहीं हो। अगर आप दोनों को दुनिया नहीं देखनी है तो ठीक है, अब से हम भी दुनिया नहीं देखेंगे। श्रवणी, अब से हम भी ये पट्टी अपने आंखों पे लगाए रखेंगे। श्रवणी, नीति, बेटा, श्रवणी, नहीं माँ, हम आधा ये क्या कर रही हो? जाएंगे मैं अंधेरे में। क्या बात हुई है? बेटा चोट लग जाएगी। श्रवणी बात सुनो। नहीं, हम कर लेंगे। हमारी बात तो हमारी श्रवणी श्रवणी नहीं, हम ठीक हैं। यहीं से प्लीज हम कर लेंगे। अम्मा हमारी बात तो सुनो। बेटा चोट लग जाएगी, ऐसे बाहर मत जाओ। श्रवणी, वीरेन बाबू, आप भी यहीं पे थे क्या? हम तो सुबह से आपको ही ढूंढ रहे थे। बेबी भी यहीं है। हाँ भाभी, हमें आपको बहुत जरूरी बात बताना था। मुका हुआ ना कि जी, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, बोलोगे कुछ? हाँ वो भाभी, भाभी वहां बंटी ने सब तहस नहस कर दिया है, जल्दी चलिए आप। हटो रास्ते से। अरे 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 अरे, डरिए मत पंकुड़ी जी। अरे सॉरी 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 सॉरी, हम हमेशा आपका ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, रक्षा करेंगे, और दीदी से भी हम ही बचाएंगे आपको, समझी? वीरेन जी जल्दी चलिए, भाभी बुला रही है। चलिए चलिए, आ रहे हम। अरे नहीं, चलिए, भाभी गुस्सा हो जाएंगी ना। अरे हाँ भाई, बदतमीज इंसान। ये बच्ची क्या कर रही है? आंखों पे पट्टी बांध के सड़क पे काहे चल रही है? श्रवणी, श्रवणी हमारी बात सुनो। श्रवणी, अरे क्या कर रही है? पट्टी बांध के सड़क पर कौन चलता है? पता नहीं कहाँ है इसके माँ बाप। ए हट बाजू में। कर रही है, आंख पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? श्रवणी, 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 हमारी बात सुनो। श्रवणी, हमारी बात सुनो बेटा। श्रवणी, उसे रोकिए ना। क्या हुआ भाई, आगे भीड़ क्यों लगी है? अरे कोई लड़की कार से टकरा गई है, इसीलिए इतनी भीड़ लगी है। पता नहीं लोग किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, अजीब बात है।
कुंडली में शनि गलत जगह पे आके बैठ गया है। आपके जीवन में बुरा दौर शुरू होने वाला है। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।